अफवाहों के पैर नहीं होते, पंख होते हैं। पंख, ये पंख आजकल मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक स्कूल के आसपास उड़ रहे हैं। बालाघाट से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है, कुम्हारी माध्यमिक विद्यालय, जहां कुछ दिनों से छात्राएं लगातार बेहोश हो रही हैं। लोग बाग कहने लगे हैं कि और कोई बात नहीं है, स्कूल में भूतों का डेरा है। क्या होता है बेटा यहाँ स्कूल में? सर जी चक्कर आता है जी। और कुछ याद रहता है आप लोगों को? बेहोश हो जाते हो जी अपने आप ही? अच्छा, कितने लोग बेहोश होते हैं यहाँ पे? सर जी 6 या 7 बेहोश हो जाते जी। ये भी हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में कुम्हारी माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं के बेहोश होने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। ये ऐसी घटना है जो स्कूल से लेकर स्कूल के आसपास और हर जगह यही बात चल रही है। एक तरफ स्कूल में प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य अमला, शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का तांता लग रहा है, वैसे विभागीय प्रयास लगातार जारी है। गाँव वाले डरे हुए हैं। एक नहीं, कई बच्चों के साथ चकराकर गिर जाने की घटना हुई है, जिसके बाद से गांव के लोग डरे हुए हैं। जांच में किसी को कोई बीमारी की बात भी सामने नहीं आई है, डर इस बात से और भी बढ़ गया है। ये कल से ही पता चला है, कल से ही ये हो रहा है, और मैं आज स्वयं यहाँ आके देखा हूँ कि बच्चों में ऐसा कोई, डॉक्टर जैसे बता रहे हैं कि किसी बीमारी के लक्षण नहीं है या फूड पॉइजनिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तो केवल ये मानसिक बीमारी ही हो सकती है, एक बच्चा बेहोश होता है उसको देख के दूसरी बच्ची बेहोश हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह केवल उनकी मानसिकता ही है, और उसको हम चाहेंगे कि एक गैदरिंग करके बच्चों को उनके मानसिक रूप से इनको जो सोच है इनकी उससे बाहर करें। सर बेहोश होती तो जनरली क्या किया जाता है यहाँ पे स्कूल में, क्या देखे आपने? स्कूल बेहोश हो जाता है तो या तो पानी सींच के होश में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जैसे कल भी यहाँ पे बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया था, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। और आज मैंने जैसे कल प्रभारी कलेक्टर महोदय से मैंने चर्चा किया तो उन्हें एक आज स्वास्थ्य अमला, शिक्षा विभाग के अधिकारी गण भी सब लोग आए हैं, क्या कितने गंभीर है इस विषय को लेकर? सर गंभीर हैं, इसलिए आ रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं और आज इनको जो कुछ भी होता है तो वो एक चिंतनीय है, परंतु अब ऐसा क्यों हो रहा है इसका स्पष्ट कारण पता नहीं चल पा रहा है, और जो भी कारण पता चलेगा उसको दूर करने के उपाय किए जाएंगे। स्कूल में अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है, ऐसे में दूसरी तरफ जो घटनाएं हो रही है वो वाकई चौंकाने वाले हैं। ऐसे में बच्चों का डरना, गांव वालों का घबराना और स्कूल प्रशासन का प्रयास बिल्कुल ही जायज है, लेकिन ये भी ध्यान रहे अफवाहों से सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।